नाम संजीव कुमार सिंह है, संजीव सिंह है मेरा नाम। संजीव जी, क्या कुछ प्रोग्राम ऑर्गेनाइज आप लोगों की तरफ से किया जा रहा है? देखिए, 1 अप्रैल को शाम को 4 बजे बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन की तरफ से एक बहुत बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। ये पांडव नगर कम्युनिटी ओपन कम्युनिटी सेंटर है, वहाँ पे ये बिल्कुल अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल अपोजिट में है। इसमें हम लोग एक मैसेज देना चाहते हैं आज के नवयुवकों के लिए, जो नौजवान लड़के हैं, हमारे मित्र लोग हैं, इनके लिए कि जो बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन है, जैसे खेल कूद है, इससे शारीरिक जो फायदे होते हैं, जैसे आज की डेट में योगा को बहुत बड़ा प्राथमिकता दिया जा रहा है, उसी का एक हिस्सा बॉडी बिल्डिंग भी है। आज के नौजवान बहुत सारे जो लोग हैं जिनको ये मैसेज नहीं जा पा रहा है, उसके लिए एक बहुत बड़ा कार्यक्रम क्रीड़ा भारती, हमारी जो संघ की एक शाखा है, परिकल्प है, उसकी तरफ से, सहयोगी संस्था है, उनकी तरफ से ये कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसमें IBBF के जो हमारे प्रेसिडेंट रहे हैं पद्म श्री श्री, वो सारे लोग आ रहे हैं, काफ़ी गणमान्य हैं, जैसे कि अपेक्षित हैं हमारे दिल्ली के जो हमारे कमिश्नर हैं अमूल पटनायक जी, इनकी भी आने की संभावना है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं आदरणीय मनोज तिवारी जी, उनके भी आने की संभावना है। हमारे संघ के जो बहुत बड़े अधिकारी हैं माननीय आलोक जी, वो भी आने की संभावना है। हम सब लोगों ने इनको निमंत्रण दिया है। और मैं ये आपके चैनल के माध्यम से सभी माता पिताओं को पूरी दिल्ली में और युवा साथियों से यह आह्वान करना चाहता हूँ कि 1 अप्रैल को शाम को 4 बजे अपना कीमती समय निकाल के भारी से भारी संख्या में वहाँ पहुँचे, ताकि उन युवा साथियों को इसका लाभ मिल सके। क्योंकि बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन आज की डेट में देख रहे हैं कि आज की डेट में बहुत बच्चे जगह जगह गली गली में जिम जा रहे हैं, और जिम से शारीरिक जो उनको जो उनका फ़ायदा पहुँच रहा है, तो इसी चीज़ को लेके हम लोग ये जन जन तक पहुँचाना चाहते हैं, हर घर घर तक युवाओं को एक मैसेज देना चाहते हैं। तो इसको लेके ये कार्यक्रम बड़े भव्य लेवल पे किया जा रहा है। कहाँ कहाँ से इसके कंपटीशन में बिल्डर जो हिस्सा लिया? हम लोगों ने कोशिश की है कि प्रत्येक दिल्ली के हर कोने तक अपनी आवाज़ को, अपने इस मैसेज को, इस कार्यक्रम को पहुँचाएं, और प्रयास अभी तक जारी है। हम लोगों ने क्या किया है कि जितने भी दिल्ली के अंदर NCR में, दिल्ली के अंदर जो जिम्स हैं, जहाँ युवा साथी हमारे जिम करते हैं, उनको वहाँ तक मैसेज पहुँचाया है। कई बिल्डिंग बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन जो इस तरह की चला रही है, संस्थाएं चल रही है, उनसे भी हम लोगों ने संपर्क किया है कि उनके भी लोग हमारे संपर्क में आए, और मेरे को लगता है कि काफ़ी संख्या में यहाँ पर युवा साथी हमारे इकट्ठे होंगे। और मुझे लगता है कि जो अभी तक हम लोग के पास जो संख्या आई, वो 5,000 से ऊपर लोगों की संख्या है। क्या कुछ इनाम वगैरह रखा गया है लोग? जी हाँ, हम लोगों ने 1.5 लाख रुपए के पुरस्कार रखा है प्रथम विजेता को, और उसके बाद अन्य थोड़े थोड़े जो उसके कॉरम वाइज वो है पुरस्कार हैं। क्या बॉडी बिल्डिंग इस चैंपियनशिप में महिलाओं के लिए भी जगह है? बिल्कुल, महिलाओं के लिए भी जगह है, और इसमें आह्वान हम लोगों ने महिलाओं को भी किया है, और महिला साथी भी बहुत सारे बहने बढ़ के आ रही हैं इस बॉडी बिल्डिंग कम्पटिशन में। पहले भी कई जगह आपने देखा होगा कि महिलाएं बहुत बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले रही है। इसमें महिला पुरुष नहीं है, तो शारीरिक एक तरह से खेल है, और शारीरिक खेल का ही सारा चीज़ है स्वस्थ रखने के लिए। दुनिया देश विदेश से ज्ञान ले रही है, तो हमारे देश में ही योगा करके और जिम करके और बॉडी बिल्डिंग करके स्वस्थ रहा जा सकता है। तो इसी का तो बहुत भारी संख्या में महिला बहनें भी।